अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, क्या हाल चाल है? आप सबका खैरियत से हैं? ठीक ठाक हैं? मैं भी खैरियत से हूँ। फ़िलहाल खैरियत से नहीं हूँ क्योंकि कल दो दिन पहले हम आए थे, यही वीडियो जो आज मैं बनाने वाला हूँ ये बना के गए हैं, ड्रोन शॉट्स लेके गए हैं, तो घर गए तो SD कार्ड एरर आ गया, जैसे कि मेरे साथ 2-3 बार हो चुका है। तो बहुत कोशिश किया है वीडियो रिकवर करने की, नहीं हुई है, मगर दोबारा से कार्ड फॉर्मेट करके दोबारा से हम आज फिर से उसी प्लेस पर आ गए हैं। और उस दिन मेरे साथ मेरा दूसरा भाई था हसन और उसके दोस्त थे, और आज मेरे साथ मेरा छोटा भाई है बिलाल। तो मैं और ये आए हैं ड्रोन शॉट्स लेने के लिए। ये एक बीच है जो हमने आपको दिखाना है, ये एंटवर्पन के पास एक छोटा सा बीच है। गर्मियों में यहाँ बहुत रश होता है, बहुत ही ज़बरदस्त जगह है, और साइड पर रेस्टोरेंट है सारे, और काफ़ी अच्छी जगह है। एक बिज़ी शहर में से निकल के 10 मिनट की ड्राइव पर आके आपको एक अच्छी जगह मिल जाती है रिलैक्स करने के लिए, तो वो आज आपको दिखाते हैं। और उसके साथ ये है कि आज हवा बहुत तेज़ है, कल तो तकरीबन 12 थी और आज 25 है। और DJI मिनी ड्रोन वाले जो बताते हैं, मिनी 2 वाले, कि आप 25 से ऊपर 28 से 35 के दरमियान उड़ा सकते हैं, मगर देखते हैं, इसका टेक्नोलॉजी का कोई भरोसा नहीं है। अगर बन गई वीडियोस तो ठीक है, और अगर आउट ऑफ कंट्रोल हो गया तो नीचे पानी भी है, दरिया है, नहर जा रही है, उसमें ना गिर जाए, या काफ़ी मुश्किल है। तो रिस्क लेते हैं जनाब, वीडियो बनाते हैं और आपको इंशाल्लाह ड्रोन शॉट्स दिखाते हैं इस बीच के। तो चलिए आप हमारे साथ देखिए आप भी, और हम भी दोबारा से वीडियो शूट करते हैं और देखते हैं क्या बनता है और क्या नहीं, और बने रहिए हमारे साथ। तो ये जनाब मेरे साथ छोटा भाई मेरा बिलाल, किधर है? सलाम अलैकुम। वालेकुम सलाम राजा बिलाल खान। तो ये काफ़ी शर्मीला बच्चा है, अभी शर्मा रहा है, आहिस्ता आहिस्ता खुलेगा। तो अभी हम जनाब पहुँच आए तकरीबन, ये सामने है बीच है इसके आगे, तो यहाँ से ड्रोन शॉट्स लेते हैं और चेक करते हैं आज क्या बनता है, क्योंकि मेरे साथ तो अक्सर जलालत हो जाती है, 2-3 बार हो चुकी है, वीडियो बना के घर जाओ और आगे प्रॉब्लम, SD कार्ड एरर, इसका भी कुछ बंदोबस्त करते हैं। ये देखें जी, इतना बड़ा पंखा है, ये इसलिए है कि एंटवर्पन शहर में गर्मी महसूस ना हो, रहती बारिश है। और ये मेरे फेवरेट दरख्त हैं वही, ये बेल्जियम है, कोई ख़ास दरख्त है, आगे पीछे मुझे दिखा नहीं कहीं, इसकी टहनी आती है नीचे तक, अभी इन्होंने नीचे से काट दिए। तो ये फर्स्ट लुक देखें जी आप पहले बीच साइड की। परसों काफ़ी लोग थे, संडे को हम आए थे, आज ट्यूसडे है, आज कोई बंदा नहीं है, एक अंकल जी हैं बस। वो आज लगता है अच्छे ड्रोन शॉट्स आएंगे, क्योंकि रश कोई नहीं, आराम से वीडियो बनाएंगे, क्योंकि आज हमारे साथ बिलाल साहब भी हैं ना। ये देखें जी, ये इसकी फर्स्ट लुक। और जो मैंने आपको लेक दिखाई थी पिछले वीडियोस में, वो उसके पार है, वो सामने पार है, और बाकी ये सारा एंटवर्पन है जी, जितना भी है ये देख लें आप, सारा उधर भी एंटवर्पन है जितना भी है सारा। इसको बोलते हैं लिंक रोवर, इस एरिए को, ये भी एंटवर्पन में ही आता है, एंटवर्पन डिस्ट्रिक्ट काफ़ी बड़ा है और इसमें बहुत सारे ऐसे छोटे छोटे पार्ट्स हैं, और काफ़ी खूबसूरत शहर है ये एंटवर्पन डिस्ट्रिक्ट कह लें, शहर कह लें। और इस एक ही शहर में इसके अराउंड इतनी ऐसी खूबसूरत सी जगह, कि बंदा हैरान रह जाता है, मतलब एक ही शहर एक ही डिस्ट्रिक्ट में इतना कुछ है देखने को, एक्सप्लोर करने को, कि पूछिए मत। इंशाल्लाह मैं कोशिश कर रहा हूँ आहिस्ता आहिस्ता एक एक करके आपको दिखाने की। तो फिलहाल आज ये बीच है, बीच स्टार्ट यहाँ से होता है, मगर रेत जो होती है बीच की वो वहाँ पे आगे है, वहाँ पे लेके चलेंगे आपको, वहाँ से आगे बीच है। और काफ़ी आगे जाएं तो घोड़े छोड़े भी हैं और वाइल्ड लाइफ से जुड़ी चीज़ें, पार्क बने, ऐसी चीज़ें हैं। तो पूरा एरिया जो है ना, ये सिर्फ जब गर्मियाँ होती हैं ना जब, तब ये खुलता है। ये आगे रेस्टोरेंट हैं, बहुत सारे रेस्टोरेंट हैं, वो आगे वहाँ पर भी दिखाता हूँ मैं आपको। और तब तो इधर रौनक होती है, रश होता है, बंदे ही बंदे होते हैं, और अभी सर्दियाँ हैं, अभी नहीं, तकरीबन 1 माह के बाद ये सारा कुछ दोबारा से ओपन हो जाएगा। अभी हमने सिर्फ ड्रोन शॉट्स लेने हैं और उनको एंजॉय कीजिए आप, ठीक है?
Thank you.
जी तो दोस्तों, आपने ड्रोन शॉट्स हमारे देखे हैं, इन्जॉय किया होगा। मैंने काफ़ी मेहनत की है, काफ़ी मतलब दो बार इस वीडियो को बनाना पड़ा और काफ़ी दिल से शॉट्स लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ आप सबको पसंद आया होगा। और आज की वीडियो बस इतनी है, और जो जो लोग मुझे देखने वाले हैं, जो कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं, जो थोड़े बहुत लोग हैं 100-150, उनका दिल से शुक्रिया जनाब। तो इंशाल्लाह कोशिश करूँगा ऐसी अच्छी अच्छी वीडियो आपके लिए लाता रहूँ, क्योंकि मेरा ये शौक़ है। और थैंक यू फॉर वॉचिंग, इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।